हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेटा क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं न्यूक्लियस का सेकंड लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। इफ रेडियस ऑफ द 2712 एल्यूमिनियम न्यूक्लियस इज टेकन टू बी RAL, देन द रेडियस ऑफ 12553 TE न्यूक्लियस इज नियरली। अब हम जानते हैं कि जो रेडियस होती है दैट इज प्रपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3। तो हम लिख सकते हैं आर एल्यूमिनियम अपॉन RTE। और एल्यूमिनियम का आपका जो मास नंबर है 27 है और इसका 125 है। तो दिस कैन बी रिटन एज 3/5 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3। पावर टू पावर मल्टीप्लाई। तो आर एल्यूमिनियम अपॉन RTE विल बी 3/5। सो 5/3 RAL विल बी RTE। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो पहला आंसर क्या है इसका? बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। If the nuclear radius of 2730 AL is 3.6 Fermi, then the approximate nuclear radius of 6429 copper. तो देखिए फिर वही फॉर्मूला हमने लगाया R1 upon R2। ये है आपका 27 और ये है 64। तो इसको आप लिख सकते हैं 3/4 टू द पावर 3। और ये पावर एक्चुअली में यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 1/3 आएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2^1/3। तो अब ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो R1 अपॉन दिस शुड बी R2 विल बी 3/4। अब ये दिया हुआ है आपको 3.6 फर्मी। तो 3.6 अपॉन R2 इक्वल टू 3/4। अब 3 इसको काट देगा 1.2 टाइम्स। तो ये आ जाएगा 1.2 अपॉन R2 इक्वल टू 1/4। तो R2 विल बी इक्वल टू 4.8 फर्मी। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? सी। अब देखिए, द टू न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर इन द रेशियो 1:3, द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटी। अब देखिए, सबसे पहली बात है कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। डेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास नंबर। तो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। तो रेशियो शुड बी 1:1। तो ये बात आप हमेशा याद रखिए, मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। अब अगला, द रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लाइड इज मेजर्ड टू बी ट्वाइस द रेडियस ऑफ बेरिलियम, द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन जर्मेनियम आर। तो न्यूक्लियंस, देखिए नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का मतलब होता है मास नंबर, पहली चीज। तो R1 अपॉन R2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। A1 upon A2 टू द पावर 1/3। अब जर्मेनियम की जो रेडियस है यहां पर दिया हुआ है, तो 1 को हम जर्मेनियम ले लेंगे और 2 को ले लेंगे बेरिलियम। अब जर्मेनियम की जो रेडियस है वो बेरिलियम की रेडियस का डबल है। तो R1 is 2R2। R1 किसके बराबर आ जाएगा? 2R2 के बराबर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 2R2, ये हो गया R2। अब A1 नहीं मालूम, जर्मेनियम का मास नंबर उसका मालूम है, बेरिलियम का 9^1/3। 9^1/3 तो ये कैंसिल हो गया। तो 2 इक्वल टू A1 upon 9^1/3। अब आप इसका क्या करिए, क्यूब कर दीजिए। तो ये हो गया 2³ और ये हो गया A1 by 9। 8 इक्वल टू A1 by 9।
तो जर्मेनियम का जो मास नंबर होगा 8 × 9 दैट विल कम एज 72, 72। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? 72 होगा। अब देखिए, द न्यूक्लियर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर न्यूक्लियस आर आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेते हैं, 74 − 34, तो ये आ गया आपका 40। और इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकाल लेते हैं, 71 − 31, ये भी आ गया 40। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? फर्स्ट है, क्योंकि 84 − 38, और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होने चाहिए इसमें? सेम होने चाहिए, तभी हम उन्हें क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स बोलते हैं। अब देखिए, इफ Mn एंड Mp रिप्रेजेंट द मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रिस्पेक्टिवली, इफ एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास m हैज n न्यूट्रॉन्स एंड z प्रोटॉन्स, देन करेक्ट रिलेशन शुड बी। तो देखिए, जब नाभिक बनता है, जब न्यूक्लियस बनता है, न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो हमेशा यह देखा गया है कि न्यूक्लियस का जो मास है वो उसको बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस के समेशन से क्या होता है? कम होता है। तो m शुड बी लेस देन सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अब आप देखिए, प्रोटॉन्स कितने हैं? जेड प्रोटॉन्स है, जेड इंटू एम पी, प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं? एन इंटू एम एन। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आपका करेक्ट आंसर आ गया फर्स्ट, फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो पहला आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। अब देखिए, द स्टेबल न्यूक्लियस दैट हैज रेडियस हाफ ऑफ आयरन 56। तो आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू ए वन अपॉन ए टू टू द पावर 1/3, ये लगाया। अब टू को हमने ले लिया एफ ई। अगर इसकी रेडियस आर टू है तो इसकी रेडियस क्या होगी? आर टू बाई टू 56 ए वन टू द पावर 1/3, तो ये हो गया 1/2 इक्वल टू ए वन अपॉन 56 टू द पावर 1/3। अब हम क्यूब कर देंगे तो क्यूब करने से ये हो जाएगा 1/8 ए वन बाय 56। तो ए वन विल बी 56/8, 8 × 7। तो उस न्यूक्लियस का मास नंबर कितना होना चाहिए? मास नंबर कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, जिसकी रेडियस आयरन की रेडियस का आधा हो। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए? लिथियम होना चाहिए। द करेक्ट आंसर शुड बी लिथियम, लिथियम को करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब देखिए, अ न्यूक्लियस रप्चर्स इनटू टू न्यूक्लियर पार्ट्स विच हैव देयर वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 2:1, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर साइज, मतलब न्यूक्लियर रेडियस। तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें अप्लाई करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहली बात। बिफोर ब्रेकिंग द न्यूक्लियस, अगली बात, बिफोर ब्रेकिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के टूटने के पहले, इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, देयरफॉर फाइनल मोमेंटम विल बी ऑल्सो इक्वल टू जीरो। अब फाइनल मोमेंटम क्या है? वेलोसिटी रेशियो। तो देखिए, ए वन इंटू
वेलोसिटी रेशियो है आपका 2:1। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं v1/v2 कितना दिया हुआ है, 2:1। ठीक है, अब फाइनल मोमेंटम लिखते हैं। पहले का a1 v1, a1 मास नंबर, दूसरे का a2 v2 इक्वल टू 0। तो a1 v1 इक्वल टू -a2 v2। यहां तक आ गए हम, तो यह हमें मिला a1 v1 इक्वल टू -a2 v2। अब हमारा वेलोसिटी का रेशियो है, v1 को हम यहां से लिख सकते हैं 2v2 लिख दिया। तो a1/a2 का जो रेशियो आएगा, माइनस तो हो नहीं सकता, इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे, 2:1। अब हम जानते हैं कि r इज प्रोपोर्शनल टू a^1/3। तो क्यूब कर दें अगर हम इसका, तो r³ इज प्रोपोर्शनल टू a, r³ / r²³ इक्वल टू a₁/a₂। तो यहां से हम ले लेंगे r₁/r₂ का क्यूब, दैट इज 2:1। तो r₁/r₂ विल बी 2:1/3/1:1/3। पर हम जानते हैं कि 1^1/3 कितना होता है, 1। तो रेशियो ऑफ रेडियस आ जाएगा 2 to the power 1 by 3, 2^1/3 = 1, 2^1/3 = 1। तो अच्छा सवाल था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आधारित सवाल था। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा फर्स्ट। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर का मास नंबर का रेशियो कभी भी नेगेटिव कहाँ हो सकता है। ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि जब न्यूक्लियस ब्रेक हुआ होगा तो एक टुकड़ा ऐसे गया होगा और दूसरा उसके अपोजिट गया होगा, बाकी इसका कोई मीनिंग यहां पर नहीं निकलता। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम एंड हीलियम न्यूक्लियर 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज। तो सबसे पहले देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन को बैलेंस करिए, क्या करना है हमें, बैलेंसिंग। ये देखिए 7 और 1 8, तो यहां पे ये बैलेंस कर लेते हैं हम 2 4। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो गई। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की एनर्जी निकालेंगे पर न्यूक्लियन, इसकी एनर्जी है 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, और लिथियम में कितने न्यूक्लियन है, देखो 7 है, तो 7 × 5.6 39.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब राइट हैंड साइड की एनर्जी निकाल लीजिए, दो दो आपके हीलियम है, और हीलियम में कितने न्यूक्लियन है, 4 × 7.06, तो ये हो गया 8 × 7.06, 8 × 6 = 48, 56.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी रिलीज्ड निकालेंगे, तो यहां देखिए आप 56.48 में से हमें माइनस करना है 39.2 को, 39.2 8 2, 16 में से 9 गए 7, 4 में से 3 गए 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड। अब इसका आंसर हमारा आ गया, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो देखते हैं कौन सा आंसर है, तो ये लगभग नियरेस्ट टू करेक्ट हम इसको लगा सकते हैं, 17.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस कैन बी आवर आंसर। तो माइनस करना था और कुछ भी नहीं करना था। अब देखिए,
अ सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन इज चेंज टू हीलियम बाय अ प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन। द मास इफेक्ट इन फ्यूजन रिएक्शन इज 0.02866 amu, द एनर्जी लिबरेटेड पर amu। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, एनर्जी लिबरेटेड को हम कैसे निकालेंगे, 931 इंटू 0.02866। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, 0.02866 0.02866 इंटू 931 6 6 8 2 0 0 3 से 18 1 18 और 1 19 1 24 25 2 6 2 8 0 0। अब मल्टीप्लीकेशन 9 से होगा, 9 6 54 5 54 5 59 5 72 5 77 7 18 7 25 2 0 6 4 14 5 9 14 8 22 9 11 5 16 2 18 16 6 2 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये आ गया आपका आंसर 26.68246 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना इसका आंसर आना चाहिए। तो नियरेस्ट टू करेक्ट हम इस आंसर को टिक कर सकते हैं, बस मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। अब देखिए ये सवाल है, द पावर ऑब्टेन इन रिएक्टर यूजिंग यूरेनियम 235 डिसइंटीग्रेशन इज 1000 किलोवाट, द मास डिके ऑफ यूरेनियम 235 पर आवर। तो हम आइंस्टाइन का रिलेशन यूज करेंगे इसमें, जैसा कि आप जानते हैं E=mc2। m क्या है, मास डिके। तो एक तो ये चीज हो गई। अब हमें जो पावर दी गई है वो दी गई है 1000 किलोवाट। तो सबसे पहले तो आप इसको बदल लो इनटू 1000 वाट। तो ये कितना आ गया हमारा, 10 to the power 6 जूल्स पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, आपका पर आवर पूछा है और ये जो पावर आ रही है ये आ रही है पर सेकेंड। तो हम इसको लिख लेंगे 10 to the power 6 इंटू 3600 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब ये आ जाएगी जूल्स पर आवर। तो ये हो गया 36 इंटू 10 to the power 8 जूल्स पर आवर। इसके बाद कुछ नहीं करना है, हमें यूज करना है E=mc2। तो चलिए यूज करते हैं mc2। अब आप देखिए E कितना है, 36 इंटू 10 to the power 8 और c वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये हो जाएगा हमारा 36 इंटू 10 to the power 8 m 9 into 10 to the power 16। तो अब देखिए m कितना होगा, ट्रांसफर कर दीजिए, 36 इंटू 10 to the power 8 अपॉन 9 into 10 to the power 16। ये हो गया 4 into 10 to the power minus 8 4 into 10 to the power minus 8। अब 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से हम डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 40 into 10 to the power minus 9 kg। अब kg को ग्राम में बदला, kg को ग्राम में बदलने के लिए
एक 10^3 से ऊपर नीचे क्या कर, 10^3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 40 × 10⁻⁶ ग्राम। अब देखिए 10⁻⁶ ग्राम्स को आप जानते हो कि 10⁻⁶ क्या होता है, माइक्रो होता है, तो ये हो गया हमारा 40 × 10⁻⁶ ग्राम्स। इसको हमने लिखना है माइक्रोग्राम, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 40 माइक्रोग्राम। अब देखते हैं कौन सा आंसर है। सी आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिए जो पर आवर पर सेकंड था, पर सेकंड को हमें किसमें बदलना पड़ेगा, पर आवर में। फिर हमें लगाना है E=mc², बस बाकी का काम बहुत आसान हो गया, हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और सारे आंसर्स को जब हम रीड करते हैं तो देखिए ग्राम में दिया गया था, इसलिए हमने केजी को किसमें बदला था, केजी को यहाँ हमने किसमें बदला था, ग्राम में बदला था, केजी को किसमें बदल लिया था, ग्राम में। अब आगे बढ़ते हैं। द मास ऑफ 3 Li-7 न्यूक्लियस इज 0.042 U, लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल इट्स न्यूक्लियॉन्स, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब देखिए तो सबसे पहले हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल देते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी को क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट को आपको मल्टीप्लाई करना है 931 से, तो ये आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक्चुअली ये होता है 931.5, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली इसको ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं 931। अब ये हो गया 0.042 × 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 0.042 × 931 2 4 0 0 3 6 12 1 0, फिर हम 9 से 18 8 1 36 37 3 0 2 10 9 8 3 0 1 2 3 1 2 3, तो ये आ गया आपका 38.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहली चीज। पर अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो पूछा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो ये तो हमारी बाइंडिंग एनर्जी आ गई, कितनी आ गई हमारी बाइंडिंग एनर्जी आ गई 38.9 आ गई, पर हमसे पूछा गया पर न्यूक्लियॉन, तो भाई 3 Li-7 में न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं, 7। तो अब हम क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालने के लिए 38.9 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 × 5 = 35, 3 बचेगा, 7 × 5 = 35, तो लगभग 5.5 के आसपास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आंसर होना चाहिए। अब हम आंसर देखते हैं, तो ये हम इस आंसर को ऐसे एक्चुअली वो 5.58 कुछ आएगा, तो लेकिन आप उसको रफली कैलकुलेट करके कितना लिख सकते हैं, 5.9 लिख सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, पर न्यूक्लियॉन था इसलिए नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने थे, नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने थे, 7 थे, इसलिए हमने किससे डिवाइड कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए If M is at M P N N denotes the masses of nucleus, X Z A proton and neutron respectively. In units of U, when U is 931.5 mega electron volt, Y C square the binding energy represents in mega electron volt. तो देखिए binding energy होती है mass defect × c², ठीक है, तो
हमसे पूछा है न्यूक्लियस का मास, तो सबसे पहले देखिए मास डिफेक्ट निकालेंगे। कितने प्रोटॉन्स है? जेड प्रोटॉन्स है, तो जेड इंटू एम पी। कितने न्यूट्रॉन्स है? ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम ए कॉमा जेड। ये हमारा न्यूक्लियस का मास है, ठीक है। तो अब मास इफेक्ट को हम लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये हो गया जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम न्यूक्लियस। अब हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा एम मास ऑफ न्यूक्लियस जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप देखिए ये आपका जो करेक्ट आंसर है कौन सा है? पहला, फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। तो आसान सवाल था, आसानी से किया जा सकता था। तो सबसे पहले आप यूज करिए बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू मास इफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, और फिर मास इफेक्ट की जगह हमने यहाँ से लिख लिया बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। हमें कैपिटल एम निकालना था तो वो हमने निकाल लिया। तो इस तरह से सवाल करा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इन द रिएक्शन 1H2 1H3 1H4 0N1 इफ द बॉन्डिंग एनर्जीज ऑफ 1H2 1H3 एंड 1H4 आर रिस्पेक्टिवली ए बी एंड सी देन द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। तो देखिए राइट हैंड साइड की जो एनर्जी है, तो एनर्जी रिलीज्ड बहुत सरल सवाल है, इक्वल टू सी माइनस लेफ्ट हैंड साइड की एनर्जी। तो ये हो जाएगा आपका सी माइनस ए माइनस बी। तो ये आपका एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला आ गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? सी इज द राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस में क्या होता है? एक हैवी न्यूक्लियस, एक भारी न्यूक्लियस, दो लगभग बराबर वाले मास वाले न्यूक्लियस में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेकिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस के टूटने को क्या बोलते हैं? हम न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। तो ये थ्योरी बड़ी पूछी जाती है, द न्यूक्लियर फिजन इज ए न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच ए हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम 235 स्प्लिट्स इनटू टू एप्रोक्सीमेटली इक्वल पार्ट्स एमिटिंग न्यूट्रॉन्स एंड लिबरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। दो बातें याद रखनी चाहिए कि न्यूक्लियर फिजन में हमेशा याद रखिए न्यूट्रॉन्स मिलते हैं हमें, वी गेट न्यूट्रॉन्स प्लस एनर्जी। तो ये बात हमें बिल्कुल ध्यान यहाँ पर रखनी चाहिए। भारी नाभिक का टूटना, अब देखिए दिस इज रिटन एज यूरेनियम 235 अंडर गोस फिजन व्हेन इट इज स्ट्रक बाय द स्लो न्यूट्रॉन्स। तो अगला पॉइंट है जो थ्योरी में पूछा जा सकता है, जब यूरेनियम 235 से स्लो मंद गति वाले न्यूट्रॉन स्लो न्यूट्रॉन टकराते हैं तो न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस होती है। और ये भी याद रखना चाहिए दिस नॉट ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप जानते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व में हमने पढ़ा है हर न्यूक्लियस अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है। तो यूरेनियम 235 क्यों ब्रेक होता है? जिससे कि वो दो ऐसे बराबर मास वाले न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है? ज्यादा होती है यूरेनियम 235 से। तो इस तरह से यूरेनियम 235 स्टेबिलिटी स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए क्या होता है? ब्रेक होता है। तो ये इसका बेसिक रीजन है
तो अब देखिए ये आपकी जो रिएक्शन है, देखिए ये पूछा जाता है एनर्जी ऑफ अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलीज इन फिजन रिएक्शन ऑफ 99 टू यूरेनियम 235। अब ये आपको रिएक्शन याद रखनी है, स्टैंडर्ड है 92 यूरेनियम 235, एक न्यूट्रॉन स्लो न्यूट्रॉन अटैक करेगा तो बेरिलियम 56 141, क्रिप्टॉन 36 92 और लगभग 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी मिलती है। तो देयर इज नो गारंटी दैट यूरेनियम 35 ऑलवेज ब्रेक्स इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन, किन्हीं और दो न्यूक्लियर में भी क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप देखिए, ध्यान दीजिए कितने न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं, 3। तो लेकिन थ्योरेटिकल बुक्स को अगर हम फॉलो करें तो ये लिखते हैं ऑन एन एवरेज इन द फिजन ऑफ यूरेनियम 235, दिस इज रिटन एज यूरेनियम 235, 2.5 न्यूट्रॉन्स आर एमिटेड पर फिजन ऑकर्स ड्यू टू स्लो न्यूट्रॉन्स। यूरेनियम 235 अंडरगोस फिजन विद फास्ट न्यूट्रॉन्स ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि उसका फिजन फास्ट न्यूट्रॉन से नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, पर इसकी जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो क्या होती है, मिनिमम होती है। ये पूछा जाता है कि लगभग कितने न्यूट्रॉन एक फिजन रिएक्शन में निकल सकते हैं, तो 3 निकलते हैं, तो एवरेज उन्होंने एवरेजिंग निकाली है, तो हम कह सकते हैं एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन में एमिट होगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें और उस रिएक्शन का भी ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की। फ्यूजन में क्या होता है, जब दो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं जो हल्के नाभिक होते हैं वो कंबाइन होकर एक नया न्यूक्लियस बनाते हैं जिससे कि वो स्टेबिलिटी अचीव कर सकें। हम जानते हैं न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत कम होती है, तो दो न्यूट्रॉन मिलकर हीलियम का न्यूक्लियस बना देते हैं, और हम जानते हैं कि हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन काफ़ी ज़्यादा होती है, वो लगभग 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन होती है। तो फ्यूज़न का भी एक ही रीजन है, हर न्यूक्लियस अपनी स्टेबिलिटी स्थायित्व को क्या करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। द फिनोमेना इन विच टू लाइटर, देखिए लिखा है टू लाइटर न्यूक्लाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस ऑफ मास लेस देन द टोटल मास ऑफ द कंबाइनिंग न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल दिस मास इफेक्ट अपीयर्स एज एनर्जी। आजकल स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं, 3 स्टेटमेंट देते हैं आपसे, बोले कौन से सही है कौन से गलत है बताइए, तो इसलिए थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ पे होना क्या है, बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर एक और बात है कि फिजन में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, 10^7 केल्विन होता है, तो इसलिए हम इसे थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। बहुत हाई टेम्परेचर पर यह फ्यूजन की प्रोसेस होती है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10^7 केल्विन, ये काफ़ी हाई टेम्परेचर है, इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शन फ्यूजन को हम थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ इसके एग्जांपल है, दो न्यूट्रॉन हो गए 1s2 1s2 1s3 1s1 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि 1s3 कंबाइन हो जाता है 1s2 से ट्रिटियम, तो हमें मिलता है फाइनल प्रोडक्ट एक हीलियम का न्यूक्लियस, और यहाँ कितनी एनर्जी मिलती है 17.6 और यहाँ कितनी एनर्जी मिलती है 4। तब हम एक काम करेंगे कि टोटल एनर्जी निकालने के लिए 17.6 प्लस 4.0.6, तो हमारी जो टोटल एनर्जी रिलीज होगी इसमें, इस तरह की फ्यूजन रिएक्शन में टोटल एनर्जी रिलीज्ड को हम लिख सकते हैं 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बिल्कुल याद होनी चाहिए चीजें, ये बहुत जरूरी है। देखिए द नेट रिजल्ट ऑफ द टू रिएक्शन इज द फ्यूजन ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, जिसे हम हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं, अ न्यूट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। द टोटल एनर्जी रिलीज्ड इज 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 21.6 मेगा
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए, कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग फिजन प्रोसेस। 92 यूरेनियम 235 0 N1। तो देखिए 92 यूरेनियम 235 0 N1 पहली रिएक्शन ही ले लेते हैं, इक्वल टू 38 SR, कितना हो गया 90, और तीन न्यूट्रॉन तो निकलेंगे, ये तो हमें मालूम ही है ना। और अब देखिए, हमें इन चारों ऑप्शंस में से चारों में तीन न्यूट्रॉन्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए पर आते हैं, 92 यूरेनियम 235 0 N1, ये सही है कि नहीं हम देख लेते हैं। 90, तीन न्यूट्रॉन, और ये क्या है 54x143। तो बैलेंसिंग करिए, सबसे पहले मास नंबर देखिए, 90 एटॉमिक नंबर देखिए, 92 प्लस 0 लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का 38, ये तो 0 होता है, प्लस 54, तो 38 प्लस 54 12 1 92, तो ये तो मैच हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, मास नंबर देखेंगे, तो मास नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में 235 प्लस 1 236, राइट हैंड साइड में 90, तीन न्यूट्रॉन है, एक का 1 होता है तो 3 का हो जाएगा 3, प्लस 143, ये हो गया 93 प्लस 143, तो जोड़ लेते हैं, प्लस 143 6 13 236, ये भी मैच हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यही तरीका है, इसी से आप इसको कर सकते हैं, और इसके अलावा इसका कोई दूसरा तरीका नहीं होता। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू डू इट, है ना, तो इसको हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं। अब देखिए अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इन ए फिजन रिएक्शन 92 यूरेनियम 236, एक्स का मास नंबर है 117 और वाई का भी मास नंबर 117 एंड प्लस एन, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन एक्स एंड वाई इज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और यूरेनियम 236 की है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द टोटल एनर्जी लिबरेटेड विल बी अबाउट। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड की एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, 236 न्यूक्लियॉन्स है और एक न्यूक्लियॉन की एनर्जी है 7.6, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 236 इंटू 7.6 36, 3 21, 3 24, 2 146, 7 6 42, 4 21, 4 25, 2 16, 6 6 9 7 1, तो लेफ्ट हैंड साइड की एनर्जी आ गई आपकी 1796.6। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड की एनर्जी निकालेंगे। राइट हैंड साइड में 117 117, राइट हैंड साइड में इसकी एनर्जी हो जाएगी 8.5 इंटू 117 प्लस 8.5 इंटू 117, क्योंकि पर न्यूक्लियॉन एनर्जी कितनी है 8.5। अब देखिए दो सेम क्वांटिटीज यहां पर जुड़ रही हैं, ठीक है, तो राइट हैंड साइड की एनर्जी हो जाएगी भाई, x प्लस x जुड़कर कितना होता है 2x, तो ये इतना हो गया, तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड का एनर्जी 17 इंटू 117। अब 117 को 17 से मल्टीप्लाई कर दें, 49 4 11 1 8 7 1 1 9
आठ नौ एक 1989। अब एनर्जी रिलीज होने के केस में हमें राइट हैंड साइड की टोटल बाइंडिंग एनर्जी से लेफ्ट हैंड साइड की टोटल बाइंडिंग एनर्जी को, लेफ्ट हैंड साइड की टोटल बाइंडिंग एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। तो 1989 माइनस 1796.6, 1796.6। तो एक काम करते हैं, इसको 0.0 कर लेते हैं। अब ठीक है, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, 8 बचाया, 8 में से 6 2, 18 में से 9 गए 9, 8 में से 7 गया 1, 192.4। तो एनर्जी रिलीज होगी आपकी 192.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखते हैं कौन सा आंसर है। तो हमेशा नियरेस्ट आंसर को आपको यहाँ पर देखना चाहिए, नियरेस्ट को ही देखेंगे तो ठीक रहेगा। तो ये लगभग हमारा ये आंसर कितना होता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जनरली एक रिएक्शन में जब हैवी न्यूक्लियस क्या होता है, दो इक्वल न्यूक्लियस में क्या होता है, ब्रेक होता है, तो जनरली तो हम जानते हैं कि लगभग एनर्जी रिलीज कितनी होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बगैर कैलकुलेट करके भी लगा सकते थे, पर एडवाइस ये है कि हमेशा कैलकुलेट करेंगे तो ठीक ही रहेगा। कैलकुलेट करना क्या है, जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर इन 3 Li7 एंड 2 He4 न्यूक्लियर रिस्पेक्टिवली 5.6 एंड 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इन द रिएक्शन। तो हमें मान लेते हैं कि इस रिएक्शन में किसी भी तरह की एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड की एनर्जी और राइट हैंड साइड की एनर्जी बराबर होगी। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो एनर्जी है, हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, लेट एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एक्स। अब लिथियम की जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, ये दिया हुआ है पर न्यूक्लियॉन इज हाउ मच, 5.6। तो लेफ्ट हैंड साइड की एनर्जी हो जाएगी 7 × 5.6 प्लस एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 हीलियम है तो, और हीलियम के कितने न्यूक्लियॉन हैं, 4 हैं, और एक न्यूक्लियॉन की एनर्जी कितनी है, तो 2 × 4 × 7.06। तो आप सोच रहे हो कि 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 2 हीलियम है। अब मल्टीप्लाई करिए, 42 4 ये आ जाएगा 39.2 एक्स, और ये हो जाएगा 2 × 4 8 × 7.06, 7.06 × 8 48, 56.48। तो 39.2 प्लस एक्स इक्वल टू 56.48। तो अब ट्रांसफर कर दीजिए तो एक्स होगा 56.48 माइनस 39.2। तो देखिए 56.48 माइनस 39.2, 8, 4 में से 2 माइनस हुआ 2, 16 में से 9 गया 7, यहां बचा 4, 4 में से 17.28। तो एक्स की वैल्यू आएगी 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम आंसर देखते हैं। तो नियरेस्ट टू करेक्ट आंसर हमें हमेशा क्या करना होता है, टिक करना होता है। तो 17.28 के पास में सबसे पास में आंसर कौन सा है, ये आपका 17.3। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा आपका चौथा। तो इस तरह से हम इस सवाल को करते हैं। और बिल्कुल आप थोड़ा ध्यान रखिए कि प्लस और माइनस में किसी भी तरह की गलती होनी ही नहीं चाहिए। प्लस और माइनस से हमें क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए,
एनर्जी रिलीज इन द फिजन ऑफ ए सिंगल यूरेनियम 234 न्यूक्लियस इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द फिजन रेट ऑफ यूरेनियम 235 फिल्ड रिएक्टर ऑपरेटिंग एट पावर लेवल ऑफ 5 वाट इज. तो हमें पूछा गया है अगर इस रिएक्टर की पावर 5 वाट है, मतलब 5 जूल पर सेकंड है, तो पर सेकंड कितने न्यूक्लियस ब्रेक होंगे. फिजन रेट का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितने न्यूक्लियस टूटेंगे, और एक न्यूक्लियस के टूटने से आपको कितनी एनर्जी मिलती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो नंबर ऑफ फिजन्स को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फिजन्स को निकालने के लिए टोटल एनर्जी को, बहुत सरल है, डिवाइडेड बाय एनर्जी बाय 1 फिजन. तो एक फिजन से कितनी एनर्जी मिलती है, तो अब टोटल एनर्जी आपकी 5 वाट, और यहां देखिए एक फिजन की एनर्जी कितनी है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसको थोड़ा आपको बदलना पड़ेगा, 200 × 10⁻⁶. तो 10⁻⁶ क्यों किया, क्योंकि मेगा को आप क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁶. अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹. तो नंबर ऑफ फिजन हमने मान लिए कितने होंगे, n. अब ये हो गया 5/2 × 1.6 3.2, और ये दो जीरो इधर गए, 10⁸ जुड़ गए, × 10⁻¹⁹. तो ये हो गया आपका 5/3.2 × 10⁻¹⁹. तो ये हो गया 5/3.2 × 10⁻¹⁹. 5/3.2 × 10⁻¹⁹. अब आगे इसको लिख सकते हैं 50/32, दो से काट दीजिए 25. अब हमें डिवाइड करना है, 25/16, आराम से 9 बचेगा, 0 आया, तो 16 × 5 = 80. 16 × 5 = कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 10 6 96. तो ये हो गया हमारा 1.56 × 10⁻¹⁹ फिजन्स पर सेकेंड. ये आपका आंसर आ गया. तो अब देखते हैं कौन सा आंसर है. ओके, तो एक करेक्शन की यहाँ पर जरूरत पड़ती है. तो इसको आप क्या कर लीजिए, अच्छा 10⁻¹⁹ ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, या कैलकुलेशन का थोड़ा मिस्टेक था. तो देखिए क्या हो गया, ये हमें थोड़ा देखना है, 10⁻¹⁹. तो मैं फिर से क्लियर कर दूं, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा 10⁻¹⁹ यहां से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻¹⁹. तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, बी है. तो ऐसे क्वेश्चन बड़े कॉमन होते हैं और बड़े पूछे जाते हैं, तो इनका हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए. कैलकुलेशन को और ये देखिए यहाँ पे एक साइन करने की जरूरत है, +11, इट शुड बी +11. अब देखिए ये 2021 की नीट परीक्षा से लिया गया सवाल है. अ न्यूक्लियस विद मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू टू फ्रेगमेंट्स ऑफ ईच ऑफ मास 120. द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियर इज 7.6. तो पर न्यूक्लियन है, पर इसमें कितने न्यूक्लियन है, 240. तो ये एनर्जी हो गई 240 × 7.6, तो 24 × 76. तो मल्टीप्लाई करेंगे, 24 दो बचा 30, 12 1 15, 4 2 8 1. तो अनफ्रेगमेंटेड की एनर्जी हो गई 1824, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है,
देखिए ऐसा है ये, क्यों क्या होता है एनर्जी रिलीज, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की आपने एनर्जी निकाल ली। अब जो फ्रेगमेंट है, जो 120 जिनका मास नंबर है पर न्यूक्लियन, उनकी एनर्जी कितनी है 8.5, तो राइट हैंड साइड की एनर्जी निकाल लेंगे, तो दो है, तो ये हो गया 2 × 12, ये जीरो को इसको कर देगा 85, ये हो गया 24 × 85, मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 2 34 10 1 17, 0 4 10 2 2 0 4 0, कितना आया 2 0 4 0। अब लेफ्ट हैंड साइड की एनर्जी है 1 8 2 4, तो एनर्जी रिलीज्ड विल बी 2 0 4 0, से अब हमें माइनस करना है 1 8 2 4 को, दस में से चार गया छह, तीन में दो गया एक, दस में से आठ गया दो, तो ये लगभग होगा 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना होगा 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखते हैं कौन सा आंसर है। यस, फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो इस तरह का ये आप रिएक्शन समझ गए होंगे, ये अनफ्रेगमेंटेड है 240, ये टूट गया दो में वाई और जेड में, जिन दोनों का मास नंबर कितना था 120 था, और क्यों क्या हो गया आपका एनर्जी रिलीज। फिर वही करना है, राइट हैंड साइड की एनर्जी निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड की एनर्जी निकालना है, माइनस कर देना है, तो हमें एनर्जी रिलीज का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरह से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, व्हेन यूरेनियम आइसोटोप यूरेनियम 235 92 यूरेनियम 235 बम्बार्डेड विद ए न्यूट्रॉन इट जनरेट्स, तो देखिए बम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन, इट जनरेट्स 36U89 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स, तो हम जानते हैं। अब ये हमें देखना है, ये हमें चार आंसर में दिया गया है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए ले लेते हैं, तो 92 यूरेनियम 235, समझाने के लिए आपको 0N1 36U89 प्लस 3 × 0N1, और हमने ये ले लिया कितना 101 36 क्रिप्टॉन 101। तो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का हो गया 92 प्लस 0, राइट हैंड साइड का हो गया 36, इसका न्यूट्रॉन का तो 0 होगा, प्लस 36, तो ये आ गया 72। तो देखिए ये तो आंसर आपका नहीं हो सकता, तो 36 वाले दोनों आंसर रिजेक्ट हो गए। अब 56 में चेक करते हैं, अब 56 में चेक करते हैं आंसर, थर्ड को देख रहे हैं, यूरेनियम 235 प्लस न्यूट्रॉन 36U89 प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस 56 144। अब एटॉमिक नंबर चेक करते हैं, 92 प्लस 0 यहाँ कितना आएगा, 92 प्लस 0 दैट इज 92, राइट हैंड साइड में 36 प्लस 0 प्लस 56 92, यस करेक्ट। अब मास नंबर चेक करते हैं, 235 प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड में 236 और राइट हैंड साइड में 89 प्लस 3 प्लस 144, 16 9 4 13, 236, यस। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है।
तो बहुत बेसिक चीज़ों पर आधारित ये क्या था, सवाल था। आसानी से हम इसको विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस कर सकते हैं, ऑप्शन की मदद से हम इसको कर सकते हैं। तो न्यूक्लियस का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, हाफ लाइफ और सिलेबस में नहीं है, मेन लाइफ सिलेबस में नहीं है। तो न्यूक्लियर एनर्जी इक्वल टू MC² मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में है, इसलिए अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके सिलेबस में है, उसकी ज़रूर प्रैक्टिस करिए और ज़रूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं आपकी सफलता के लिए। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो जब तक परीक्षा नहीं हो जाती, तब तक मुलाकातें जारी रहेंगी, मिलते रहेंगे, और आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, सी यू अगेन, बाय बाय।